पिज्जा पास्ता खाने वाला बालक घर से डब्बा ला रहा था और सुबह शाम रोज पालक खा रहा था। मत बढ़ा वोल्टेज, इतने बल्ब दिल का फ्यूज मत कर, और इतने श्रोताओं के सामने मुझे बार बार कंफ्यूज मत कर। मशीनी मशीनी शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही शैलेश नोडा आ गया हूं। बस अब तैयार हो जाइए, यहां हम वो करते हैं जो कोई नहीं करता। तो बताएं, शायरी, ठाके, मुस्कुराहट, और उस हेतु हमारे पास ऐसे कवि कलाकार आते हैं जिन्हें हम ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, उन प्रतिभाओं को लेके आते हैं जो गांवों में है, कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन आपके समक्ष लेके आते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं और आपके समक्ष वो कविताएं सुनाते हैं, और हम उनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। मिलते हैं हमारे आज के तीन कलाकारों से, जाएंगे और आपके बीच में अकेला कैसे बैठा भाई? मुझे लगा आज तुक तुक स्पेशल है। तुक तुक स्पेशल मतलब अकेला तू कविता पढ़ेगा? मुझे लगा आप पढ़ा रहे तो मैं पढ़ दूंगा। तुझे कैसे लगा यार? तुझे पूछना चाहिए ना कि मैं अकेला बैठा हूँ सर, बाकी दो लोग कहा मैं क्या करूंगा। तुम तो ऐसे विजय दीनानाथ चौहान की तरह बैठ गए यहाँ पे आज फैला के। पता तो होना चाहिए इधर भी कोई है, इधर भी कोई आता है, दोनों नहीं है तो कहाँ चले गए? अरे चले यार, तुमने कितना टाइम लगा। अरे यार हद हो गई, हर बार तुम्हारा यही झगड़ा होता है। ज्वेलरी पसंद नहीं है, हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो सर, कोई भी प्रोग्राम हो, झगड़ा करे बिना मानते ही नहीं है ये सर। सर बहुत दुखी हूँ मैं इनसे, सर बहुत दुखी हूँ मैं इनसे। अरे खुद देखिए ना, पूरा कमरा फैला दिया इन्होंने कपड़ों से। सर क्या बताऊँ मैं आपको? अच्छा सर क्या बताऊँ मैं, इतनी दुखी आ गई मैं इनसे। तुम्हारी वजह से मैं टाइम सर नहीं सर नहीं सर इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ? अच्छा क्या करते हैं? पूरा घर फैला के रख देते हैं और नाम मेरा लगा देते हैं। तुमसे तो बहस करना बेकार है। बिल्कुल आपको बहस मुझसे करनी ही नहीं चाहिए। ओके देवी जी, हो तथा तू सर ये हाल है सर, देखिए बहुत परेशान हूँ, आप कोई समाधान कीजिए इनका। मैं मौन धारण कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। एक मिनट, आप पूरे समाज के सामने। मैंने एक कवि बुलाया थे अलीगढ़ से, अशोक अंजुम जी, और एक बुलाई भारती शर्मा जी। पहली बात तो आप दोनों साथ कैसे, और दूसरी बात लड़ते हुए क्यों आ रहे हो दोनों? सर अरे सर हम पति पत्नी हैं। आपको हमारे लड़ने से इस बात का भान नहीं हुआ क्या? बताइए, ये तो हमारा धर्म है लड़ना। लड़ना बिना सर, लड़े धर्म भाई हमारा। हमारा खाना नहीं हजम होता है। एक ही घर में एक कवि और उसकी बीवी कवित्री, तुम लड़ो ना लड़ो मोहल्ला जरूर लड़ता होगा। आओ जरा आओ जरा आ जाइए। इनके बीच में बैठे आ रही, इनका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। ये आपने सही फैसला किया, सही फैसला किया, बिल्कुल सही फैसला किया। तो हमेशा चाहती हो मुझसे दूरी बनाए रखना। नहीं सर, बिल्कुल सही फैसला किया। शैलेश जी मेरे को किधर फंसा रहे हैं? मैं खड़ा होकर शो कर लूंगा, इनके बीच में नहीं बैठूंगा। शैलेश भाई नेक्स्ट बार आप अगली बार हम दोनों को साथ मत बुलाइए। नहीं सर इन्हें मत बुलाइएगा, सर इन्हें मत बुलाइएगा। मैं आप आ जाओगी ना? मैं अकेली आ जाऊंगी सर, इसकी इनकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं इनको इनको बुलाइए, अभी इनको बुलाइए। ठीक है हाँ, अब बैठ जाओ आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैठो। धन्यवाद, शुक्रिया सर। बैठ जाऊँ ना? ऐसे माइक ले ले यार। नहीं 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 लड़ना मत भाई अब। हाँ ठीक है सर, ओके। ये हंसी मजाक का शो है, टक्कर चल रहा है। जी सर, जी सर। अच्छा? प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ है जी? ऐसे ही बिना सबूत के पत्नियां बात नहीं करती हैं। अरे यार कितनी बार कहा है,
उस चक्कर के लिए तुमसे माफी मांग चुका हूँ मैं, अब कुछ नहीं है उसके साथ। सबसे बड़ी बात, कौन है वो अंधी जो तुमसे चक्कर चला रही है यार? यही तो सर, यही तो। कैसी कैसी पड़ी है दुनिया क्या में? कहते हैं कि जब दिल लगा हो अब देखिए इसमें इतना तो वहीं बैठी है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये दिल मुझसे कहाँ लगा है सर? नहीं सवाल ही नहीं। शादी कितने साल हुए सर? हो गए 15 साल। 15 साल जी सर, और 15 साल में 1500 चक्कर चल गए इनके। नहीं नहीं नहीं, मैं तो काम पे थोड़ी जाता हूँ, मैं तो चक्कर चलाने जाता हूँ सर। बिल्कुल सच, कितना बोल रहा है आदमी, ताली बजाओ जरा इसको। ये है अशोक अंजुम जो अलीगढ़ से हमारे बीच में आ गए, भारती शर्मा जो अलीगढ़ से हमारे बीच में आई है, और अभी अभी में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों पति पत्नी है। कमाल है भाई, क्या बात है। और आप निश्चित तौर पे पति पत्नी हो, जो प्यार से रह ले वो काहे का पति पत्नी, जो जरा बहसबाजी ना करे वो काहे की पति पत्नी, आप में थोड़ी डिशुम डिशुम तो होनी चाहिए। और पति लोग मानते भी नहीं है। एक जगह किसी को पूछा, तुम्हारे पति आजकल चैटिंग वेटिंग नहीं कर रहे, कैसे बंद कराया तूने? पहले तो पूरी पूरी रात लगे रहते थे, तो शिकायत करती थी, हाँ करा दिया। एक दिन आइडिया आया, फेक आईडी बना के रोज चैटिंग करते हैं इधर उधर, एक बार मेरे ही सामने पड़ गए, मुझसे ही कर रहे थे। मैंने कह दिया मेरे पति तो निकल लिए, 5 साल से अकेली रहती हूँ, तब से सब बंद कर दिया। समझ में आ गया कि सही में निकल गया तो क्या होगा। इसलिए पति पत्नी जो है वो जीवन में अच्छे से रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। और हमारा बड़ा एपिसोड खास हो गया भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी जोड़ा यहाँ पे कवियों को हमारे बीच में आया। जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो आइए इनके लिए कहते हैं सेलो प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह। तो चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, किसे बुलाऊं पहले? आप में ऐसा क्या स्पेशल है, आप पहले क्यों? आप लेडी हैं। फिर भी मैं जाऊंगा पहले। लेडीज फर्स्ट, मैं जाऊंगा। मुझे नहीं 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 प्लीज शैलेश भाई, चुप, टुक टुक तू आ जा यार, जोरदार तालियां। मेरे ऑफिस में भी ये अशोक जी जैसा एक आइटम है, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस का सबसे तेज वाहन चालक पिज्जा पास्ता खाने वाला बालक घर से डब्बा ला रहा था और सुबह शाम रोज पालक खा रहा था। हमने कहा ओ मेरे क्रिस गेल, क्यों रवि शास्त्री की तरह राय खेल? वो बोला हो गई मेरी शादी, आपको भी तो बुलाया था और सारा रायता आप ही ने फैलाया था, आप ही की वजह से शुरू हुआ था बवाल, क्योंकि आपने मेरी बीवी को कहा था कि बालक का रखना ख्याल, अब वो रख रही है। मैंने कहा बेटा मुझे तेरी कहानी में कमजोरी नजर आ रही है, कोई तो कारण होगा जो वो तुझे सुबह शाम पालक खिला रही है। सही बात है। वो बोला तुक तुक जी आपकी सोच गलत डायरेक्शन में जा रही है, एक्चुअली हुआ ये। अच्छा अच्छा। कि एक दिन उसने मुझसे कहा थोड़ा सा धनिया ले आना, मैं ले गया धनिया की 5 पत्ती। अच्छा। उसने जताई घोर आपत्ति, बोली धिक्कार है तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी अकल पे पड़ा पानी है, धनिया के साथ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी, धनिया की चटनी बनानी है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, अगर थोड़ा बोलेगी तो भी ज्यादा लाऊंगा। इस हफ्ते उसने मंगाई थी थोड़ी सी पालक, 5 किलो ले गया आपका बालक। बस उसी गलती की सजा पा रहा है, सुबह शाम रोज पालक खा रहा है। बहुत बढ़िया। ये तुमने बताया ऐसा होता है अक्सर कई बार। अरुण जैमिनी हमारा मित्र कवि है, वो एक बहुत बढ़िया बात सुनाता है कि एक दामाद हरियाणा में ससुराल में चला गया, तो जो सास थी उसने अपनी बेटी को पूछा कि भाई दामाद को खाने में क्या पसंद है? बोले बथुआ बहुत पसंद है। बस बथुआ बहुत पसंद है तो सुबह नाश्ते में बथुआ, खाने में बथुए की सब्जी, बथुए का रायता, बथुए के पकोड़े, और तो और पराठा भी बथुए का। तो दामाद 2 मिनट तक थाली घूरता रहा, फिर बोला सासू इससे अच्छा तुमने बथुए के खेत में छोड़ा थी, चलता रहता वहीं बैठ के। शमा जल रही थी। अरे तेरी की श्रृंगार की कविता है। शमा जल रही थी और गजल चल रही थी, हमें बस एक लेकिन बात खल रही थी,
हमने कहा अगर तुमने गजल गाने के लिए नाजनीन बुलाई है और उससे महफिल रोशन है तो शमा क्यों जलाई है? हाय हाय, इतना सुनते ही सबके खड़े बाल हो गए, नाजनीन के तो गाल लाल हो गए। हाय हाय, गजल का माहौल मानो डिस्क हो गया, देखते ही देखते हमें इश्क हो गया। हाय हाय, आहा। पर दोस्तों आपको ये बात बता रहा हूं, डरते डरते इजहारे इश्क कभी भी पब्लिक में किया नहीं करते, क्योंकि उसके बाद सब लोगों ने मिलकर हमको बहुत पीटा और इससे ज्यादा इस बात पे घसीटा कि उस्ताद जी की पतली है आवाज और लंबे हैं बाल, तो तुम उठाओगे उनके जेंडर पे सवाल? इससे भी रोचक बात आपको बताते हैं, हमें आज भी उस्ताद जी के मिस्ड कॉल आते हैं। देखते ही देखते इश्क हो गया, क्या बात, ऐसे इश्क हो जाने के बाद बेटा शादी हो जाती है और शादी होने के बाद क्या होता है हम देख ही रहे हैं, जो इन दोनों ने यहाँ पे सार्वजनिक प्रदर्शन किया है अपने विवाह का, अद्भुत है, कमाल है। सर झुका के बैठे, वो गुस्से में भरी बैठी हुई है अभी भी, देख हाँ मन नहीं कर रहा ना इनको देखने का। वैसे कुछ कहना चाहोगे इनके लिए? चार लाइन अगर भारती को माइक। आपने बोला कि इनके लिए, लेकिन वैसे मैं समझती हूँ कि मैं ना, आप ये भी ना भी बोलते तो आप इशारा समझ जाते मैं किन के लिए कह रही हूँ। अच्छा। चार पंक्तियाँ मैं देती हूँ इनको। सच कहने वाले और सच सुनने वालों का टोटा है, सुनते ही नहीं है ना ये। सच कहने वाले और सच सुनने वालों का टोटा है, खूब शान से दौड़ रहा वो यहाँ जो सिक्का खोटा है। गर करना विश्वास किसी पर, गर करना विश्वास किसी पर, सोच समझ कर ही करना, लोगों का ईमान यहाँ पर बिन पैंदी का लोटा है। मैं भी बोलूंगा। एक दिन ये बोली कि आप दुनिया भर पे कविताएं लिखते हो, कभी हम पे कुछ नहीं सुनाया। मैंने कहा अच्छा, चल सुन कैसी लगती हूँ। ये बोली कैसी लगती हूँ मैं, देख ऐसी लगती हूँ कि वेतन मिले तो करती हो प्रेम टूट टूट, तब बड़ी चतुर सयानी लगती हो तुम, जब जब पढ़ूं दिल धक धक करता है, ऐसी कोई हॉरर कहानी लगती हो तुम, बाहर का गुड़ लगता है कलाकंद हमें, और घर बीच गुड़ धानी लगती हो तुम, पीहर से लौटती तो लगती हो नई नई, एक दिन बाद ही पुरानी लगती हो तुम। कैरेक्टर समझ में आ गया, समझ गए ना, समझ गए ना आप सभी। और वैसे एक बात है, आप लोग दोनों तरफ से आनंद ले रहे हैं, हैं? आपको घर जाके पता चलेगा, आप लीजिए आनंद। हाँ, भाई काफी हमने देखा है, अच्छा चल रहा है, घर पे भी ऐसे ही चलता रहता है? जी सर बिल्कुल, घर घर क्या मैं क्या बताऊं, कोई जगह नहीं छोड़ते, शादी ब्याह फंक्शन घर में मेहमान आ जाए, कह 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 कह, बहुत दुखी हूँ। मेरी बुराई करने के लिए मेरे साथ तुम्हारा गठबंधन हुआ है, जहाँ देखो सार्वजनिक रूप से, जब देखो ये ऐवे हैं, ये ऐवे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, बुराई के अलावा और कुछ नहीं आता, वो सब शांत। बहुत अच्छे, आओ अशोक अंजुम, जोरदार ताली अशोक अंजुम के लिए, आइए। भारती शर्मा जी, शॉर्ट सर्किट हो न जाए यूं कनेक्शन लूज मत कर। शॉर्ट सर्किट हो न जाए यूं कनेक्शन लूज मत कर, मत बढ़ा वोल्टेज इतने बल्ब दिल का फ्यूज मत कर, और इतने श्रोताओं के सामने मुझे बार बार कंफ्यूज मत कर।
बात नहीं बोली। मैंने इतने व्रत इतने उपवास रखे फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। पत्नी बोली मैंने इतने व्रत इतने उपवास रखे फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। मन की बगिया में चैन की कली नहीं खिलती। क्या करूं समझ नहीं पा रही हूं। आज से 16 शुक्रवार का व्रत भी शुरू करने जा रही हूं। मैंने कहा रे भाग्यवान ये व्रत व्रत का चक्कर छोड़ खूब खा अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद चख। और अगर घर की और मन की शांति के लिए कुछ रखना ही है तो कुछ दिन मौन व्रत रख। इससे ज्यादा क्या बोलता बेचारा। कहती आपने कभी गधे पे कविता लिखी है? मैंने कहा नहीं। तो कहती इन पे लिखी है। तुक तुक जी उसी पीड़ा से आप भी गुजर रहे होगे। क्यों मतलब अपने जख्मों और मेरे जख्मों को आप छेड़ रहे हो? क्यों उसमें नमक डाल रहे और भारती को गुस्सा आ रहा है जबरदस्त। तुम ये सब कौन होते हो कहने वाले? जो कहना ये खुद कहेंगी। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इनसे लड़ना और इससे मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता और हमारे इनका कोई अपमान भी नहीं कर सकता। मैं भारतीय नारी हूँ। मैं अपने पति का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह क्या बात है। जितना भी करना है मैं करूंगी। सिर्फ मैं। लेकिन आप बुलाते हैं उसे जो न केवल अशोक अंजुम की धर्म पत्नी है बल्कि खुद भी कमाल का लिखती है। अलीगढ़ से हमारे बीच में भारती शर्मा। जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश सर। और एक गजल आप सभी के समक्ष रखती हूँ। हमारा आसपास का माहौल हमारा जीवन मशीनीकरण हो गया है हमारे जीवन में। लेकिन जब ये मशीनीकरण हमारी संवेदनाओं पर हावी होता है तब क्या स्थितियां बनती हैं? इंसान की मनोदशा क्या होती है? वही मैंने अपनी गजल में पिरोने का प्रयास किया है। सुनाए भारती। सभी कामनाएं मशीनी मशीनी हुई भंगिमाएं मशीनी मशीनी सभी कामनाएं मशीनी मशीनी न ईश्वर के न चेहरे से दिल की खबर अब लगे है हुई भंगिमाएं मशीनी 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 टिके कैसे कोई मोहब्बत करिश्ता हुई भावनाएं मशीनी मशीनी खुशी होगी कि भारती शर्मा को पहली बार आज हम टेलीविजन पे लेके आ रहे हैं। भारती शर्मा वापसी वाक मंच पे पहली बार। पति पत्नी का जोड़ा भारती शर्मा और अशोक अंजुम आप दोनों ने कमाल कर दिया। आप दोनों के बीच में तुक तुक कहीं का नहीं रहा। क्या कह सकते हैं तुक तुक सच्चाई तो यही है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। उदास मत हो बेटा तू भी अपनी पत्नी को कविता लिखना सिखा और अगली बार जब आए तो दोनों साथ में आना तो बड़ा अच्छा रहेगा। उस दिन देखते हैं क्या आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह भाई वाह भाई।